करना है वेजिटेबल्स की पेस्ट। जो वेजिटेबल्स की पेस्ट है उसमें से जो हमें डिटेल में पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ डिटेल में पढ़ना है, हमने रेड पंपकिन बीटल। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। मैं तुम्हें पहले वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ हमें क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। सबसे पहला स्टेप होता है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन में हमें क्या करना होता है, अप टू फैमिली लेवल जाना होता है, फैमिली भी बतानी है हमने। ठीक है, देखो हम जो पढ़ रहे हैं हमारे जो सिलेबस में है वो सारे इंसेक्ट पेस्ट है। मोस्टली अभी हम जो पेपर कर रहे हैं उसमें इंसेक्ट पेस्ट है। तो इंसेक्ट सारे किसमें आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। फाइलम सबकी सेम रहेगी, आर्थ्रोपोडा, क्लास सबकी सेम रहेगी, इंसेक्टा। डिफर क्या करेगा, डिफर करेगा ऑर्डर इन फैमिली। ठीक है, ऑर्डर क्या रहेगा, आज हम कर रहे हैं रेड पंपकिन बीटल। बीटल जो होती हैं उनका ऑर्डर सबका सेम रहेगा, जिस भी नाम के पीछे बीटल आता है उन सबका नाम क्या रहे, उन सबका ऑर्डर सेम रहेगा, वो क्या होगा, सिलोप्टेरा। ठीक है, अगर बटरफ्लाई और मोथ है तो उन सबका लैपिडोप्टेरा था, बीटल है तो बीटल जितने भी बीटल होंगे उन सबका क्या रहेगा, ऑर्डर सिलोप्टेरा। ठीक है, डिफर क्या करेगी फैमिली, फैमिली सब में अलग अलग है। जो रेड पंपकिन बीटल है उसका नाम होता है ओलाइकोफोरा फेविकोलिस। तो इसकी जो फैमिली है वो है क्रिसोमिलेटी। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर सिलोप्टेरा, फाइलम जीनस ओलाइकोफोरा। ठीक है, स्पीसीज क्या है, फेविकोलिस, फैमिली क्या है, क्रिसोमिलेटी। ठीक है, पहला स्टेप हो गया हमारे क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन के बाद हमारा सेकंड स्टेप जाता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली जितनी भी क्रॉप्स हैं सब क्या आएंगी, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में जो मेन बताना हमें, मेन रीजन जहां पर ये क्रॉप उगाई जाती है, तो जो वेजिटेबल्स हैं वो मेनली कहां, ये जो पेस्ट है वेजिटेबल पेस्ट, ये कहां कहां होगा, मेनली हरियाणा, यूपी, पंजाब, इन रीजन में क्या होगा, ये मोस्टली मिलने देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गया, नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमने क्या करना है, उसकी जनरल अपेयरेंस क्या, हैबिटेट। ठीक है, जनरल अपेयरेंस में हम हमेशा बात करते हैं एडल्ट की। तो एडल्ट जो होता है उसकी शेप कैसी होती है, ओवल शेप होती है, 5 to 8 millimeter क्या होती है उसकी लेंथ होती है। उसके बाद क्या है, 4 meter क्या होगा वो, 4 mm क्या होगा वो उसकी विड्थ होगी। उसके बाद इसके पास क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के क्या होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं। उसके बाद देखो इसका जो एब्डोमेन होता है वो कवर्ड होता है विद द व्हाइट हेयर्स। ठीक है, तो जनरल अपीयरेंस में क्या है, हमने एडल्ट की बात बतानी होती है। अब देखो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा जाता है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा लाइफ साइकिल का। ठीक है, लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं, जो ओलाइकोफोरा होता है उसकी लाइफ साइकिल होती है 25 to 40 days। ठीक है, लाइफ साइकिल टोटल हमने बता दी कि टोटल लाइफ साइकिल कितने दिन की है उसकी, 25 to 40 days की लाइफ साइकिल है। और लाइफ साइकिल में कौन सी स्टेज आएगी, तो इसमें कौन सी 3 stages आएगी, एग जो है वो सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, एडल्ट भी सब में कॉमन रहेगा। उसके बाद देखो इसमें कौन सी स्टेज आएंगी, ग्रब, बीटल के लार्वे को क्या बोलते हैं, ग्रब्स। उसके बाद प्यूपा, तो एग, ग्रब, प्यूपा, ठीक है, और एडल्ट। ठीक है, ये क्या होगी इसकी लाइफ साइकिल के अंदर, जो ओलाइकोफोरा है रेड पंपकिन बीटल की स्टेजेस हैं। पहले क्या होगा, एग की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं एग्स की, तो एग्स क्या करेगा, ये क्लस्टर्ड में क्या करेगा, ले करेगी। फीमेल क्या करेगी, क्लस्टर्स में एग ले करेगी। और वो क्या कर सकते हैं, सिंगली, मतलब जो काउंट, मतलब 100 से नीचे वाले जो नंबर हो गए उसको हम बोलते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकती है, और जो 100 से ज्यादा नंबर वाले होंगे मोस्टली हम उसको क्या बोलते हैं कि क्लस्टर्स में एग ले करेगी। तो क्या होगा, नंबर देखना होता हमें एग्स का, नंबर कितना होगा, कितने एग्स ले करेगी एक फीमेल, जनरली 60 to 300 तक एग्स क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। तो जो 60 to 300 तक एग्स जो प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, कहां प्रोड्यूस करेगी फीमेल, फीमेल कहां पे एग ले करेगी, रूट वाले पोर्शन पे। ठीक है, रूट वाले पोर्शन पे फीमेल क्या करेगी, एग ले करेगी। उसके बाद देखो जो एग्स होते हैं, हमने कहा था 25 to 40 days की लाइफ साइकिल होती है, सॉरी 25 to 40 days की लाइफ साइकिल होती है। अब जो एग है, एग क्या करेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, या हैच आउट बोलते हैं हम, साइंटिफिक तरीके से बोले तो क्या होगा, एग क्या होंगे, हैच आउट हो जाएंगे, किसमें,
ग्रम में कितने दिन के बाद, 6 to 15 days के बाद क्या होगा, एग्स जो है वो हैचो के क्या बना लेंगे, ग्रब में। अब ग्रब की भी हमने क्या बात करनी है कि ग्रब क्या करेगा, इसमें क्या होता है ग्रब और एडल्ट दोनों क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती हैं या डैमेज क्योज करने वाली स्टेजेस होती हैं। तो क्या करेगी, जो ग्रब है वो रूट पे भी फीड करेगा, स्टेम पे भी, फ्रूट पे भी और फॉलन लिम्स पे भी, इन सबके ऊपर फीड करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो 12 to 25 days के बाद क्या होगा, जो ग्रब है वो कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में। अब प्यूपा देखो, ग्रब का साइज देखो और प्यूपा देखो, प्यूपा में क्या होगा, प्यूपा जो है जनरली थोड़ा बहुत क्या होता है एडल्ट के जैसा होता है। देखो एडल्ट की हमने बताया था कि 8 millimeter उसके 8 mm क्या उसकी है लेंथ है, तो ये क्या है उसके आसपास ही क्या है 7.5 mm उसकी लेंथ होगी, 3.5 mm क्या होगा उसकी विड्थ होगी। अब देखो जो प्यूपा है वो 7 to 40 days के बाद क्या हो जाएगा, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने इसके लाइफ साइकिल में पढ़ा कि चार स्टेजेस होती है, एग्स होते हैं, एग्स क्या होगा क्लस्टर्स में लेकर करेगी, 60 से लेकर 300 तक के नंबर में लेकर करेगी, ओवल होगा। उसके बाद देखो 6 से 15 दिन बाद वो ग्रब में चेंज हो जाएगा, ग्रब क्या डैमेज क्योज करने वाली स्टेज है, तो वो सब चीजों के ऊपर फीड करेगी प्लांट के हर पार्ट के ऊपर, मे बी वो क्या हो फॉलन लीव्स हो, फ्रूट हो, स्टेम हो, रूट हो, हर चीज पे फीड करेगी। उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में, प्यूपा से एडल्ट में। तो ये हो गया हमारा लाइफ साइकिल हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आता है डैमेज। डैमेज मैंने तुम्हें बताई थी, डैमेज कौन करेगा, ग्रब डैमेज क्योज करेगा और एडल्ट और ग्रब दोनों क्या करते हैं, डैमेज क्योजिंग स्टेज होती है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है प्रिवेंशन का। देखो हर साल क्या करती हैं इंसेक्ट पेस्ट क्या करती है, 30 से लेकर 40% तक क्रॉप को क्या कर देती है, उसकी यील्ड को रिड्यूस कर देती है। तो हमें क्या करना होता है, पेस्ट को कंट्रोल करना होता है। तो पेस्ट की कंट्रोल के कुछ स्टेप्स जो होते हैं कॉमन, जो मैंने तुम्हें बताए हुए क्या होगा उसमें से सॉरी क्या होगा, पहला स्टेप होगा हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस वेराइटी को ग्रो करना है, अर्ली सोइंग करनी है, ठीक है, क्रॉप रोटेशन करना है, साइड में जो क्रॉप है वो उसका अल्टरनेट होस्ट नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना है हमने। उसके बाद हमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे में हम क्या करेंगे, एंडोसल्फान स्प्रे कर सकते हैं या फिर हम क्या करेंगे मैन्युअली जो बीटल है उसको ट्रैप कर लेंगे, ठीक है, बीटल को ट्रैप कर सकते हैं और बाकी सब तरीके से हम क्या कर सकते हैं क्रॉप को रिड्यूस।